गरियाबंद जिले में हजरत मोहम्मद साहब का यौम पैदाइश का दिन मुस्लिम समाज ने जश्न ईद मिलाउद्दीन नबी अकीदत और जुलूस व नाक पाक के साथ मनाया। इस अवसर पर अकीदतमंदों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ईद मिलाउद्दीन नबी कमेटी की ओर से जुलूस जामा मस्जिद तिरंगा चौक गौरव पथ होते हुए शारदा चौक एवं शिक्षक नगर से होते हुए बस स्टैंड से नाकापारा चौक से मस्जिद पहुँचा। विभिन्न स्थानों पर जुलूस में शामिल लोगों को नाश्ता ठंडा चाय का इंतजाम कर उनका स्वागत किया गया। विशेष रूप से नगर पालिका गरियाबंद ने ठंडा पेयजल व आइसक्रीम से जुलूस का इस्तकबाल किया। रजा एक्शन कमेटी के तत्वाधान में युवकों ने इस दिन को यादगार दिन के रूप में भारी उत्साह व उमंग के साथ मनाया। वही नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि आज हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब का जन्मदिन था। गरियाबंद मुस्लिम जमात ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया और इस मौके पर सभी को ईद मिलादुन्नबी की बधाई देता हूं और अमन शांति शांति और हिंदुस्तान की शांति के लिए और विकास के लिए दुआ करता हूं। आज मुस्लिम जमात द्वारा पूरे नगर में जुलूस निकालकर हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया और नगर में कई जगह कई समाजों ने स्वागत कर एकता का परचम लहराया। ईद मिलादुन्नबी का यह त्यौहार है जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मतलब जन्मदिन के मौके पर यह त्यौहार मनाया जाता है। पहले तो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों तरफ फेरा लगाया गया और उसके बाद दरूद खानी वगैरह हुई, परचम कुशाई होगी और खाने का लंगर का दोनों वक्त का अहतमाम रखा गया है। टीसीपी 24 न्यूज के लिए गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट।